आज हम आपको बताएंगे कि एक डबल फेस का वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे चेक करें और जबकि आपके पास दो फेस का एलिमेंट ना हो, केवल सिंगल फेस हो आपके पास हो और आपको डबल फेस का स्टेबलाइजर चेक करना है तो आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने ये एक स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि डबल फेस का है। डबल फेस के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें मीटर पर 500 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 500 वोल्ट तक हमारा वर्क करेगा इनपुट, लेकिन हम इसे चेक कैसे करें? हमारे पास तो सिंगल फेस है जिसमें हम इनपुट इसे मैक्सिमम 300 वोल्ट तक ही दे पा रहे हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी 450 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक होती है। अब मैं आपको इसका तरीका भी बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक शुद्ध देसी जुगाड़। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। हम इस ट्रांसफार्मर की मदद से डबल फेस बनाने की कोशिश करेंगे। डबल फेस का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम दो फेस लेकर आएँ, डबल फेस का मतलब हमारा ये है कि हम मैक्सिमम 450 या 500 वोल्ट का अरेंजमेंट कर सकें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, पकड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो आमतौर पर इन्वर्टर के लिए यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस हमें वोल्टेज बढ़ाना है। ये न्यूट्रल है इसका, और ये न्यूट्रल के बाद वाली सप्लाई और ये सबसे लास्ट वाली सप्लाई है, यानी न्यूट्रल उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले हम स्टेबलाइजर का जो इनपुट होगी, इनपुट देने के लिए जैसे इसमें एक लीड रखी है, तो इसमें से हम ये न्यूट्रल वाला वायर है इसका, न्यूट्रल और जो हमारी टेस्टिंग लीड है उसमें से एक वायर निकाल के हम इसके न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया, और जो दूसरा हम अपने इनपुट देंगे वह हमने न्यूट्रल की बाद वाली जो लूप होगी ट्रांसफार्मर की, हमने इसमें कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब स्टेबलाइजर की जो इनपुट आएगी फेस न्यूट्रल, तो हमने ये न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। अब ये फेस हमने जो लास्ट वाली लूप निकाल रखी है इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। ये टेस्टिंग लीड हमारी गिर गई, दोबारा लगाते हैं इसे कटर। ये हमने न्यूट्रल में न्यूट्रल लगा दिया, और ये हमने न्यूट्रल के बाद वाली लूप पर हमने दूसरा वायर लगा दिया। सीधा सा लॉजिक है इसका, ये हमने न्यूट्रल और फेस ट्रांसफॉर्मर दे दिया है, और न्यूट्रल और इसकी लास्ट वाली टिपिंग से हमने इसकी आउटपुट निकाली है जो कि हमारे स्टेबलाइजर की इनपुट है। अब देखिए चमत्कार, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये देखिए, जो इनपुट हमारी अभी 300 वोल्ट से ऊपर नहीं जा रही थी, अभी हमारी इनपुट पहुंच गई 500 वोल्ट तक। इसे कहते हैं चमत्कार का नमस्कार। आप ये देख सकते हैं, आउटपुट इनपुट 500 वोल्ट, आउटपुट 260 वोल्ट। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मीटर इसके इनपुट वोल्ट बता रहा है 200 वोल्ट, और हमारे बैजेक से जो हम इसे वोल्टेज दे रहे हैं वो आ रही है। इनपुट हमने 100 वोल्ट दिया, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज बढ़कर इसके इनपुट 200 वोल्ट हो गई। अब ये ऊपर 500 वोल्ट का इनपुट, बल्कि 500 से प्लस दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये है इंडियन जुगाड़। अगर आपको ये बात पसंद आई हो, चैनल हमारी दी हुई जानकारी से आप सेटिस्फाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।